नमस्कार, मैं ईशानी प्रियम और स्वागत है आपका LifeCities.in पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज दिन भर की बड़ी सुर्खियों पर। तेल कीमतों में वृद्धि को लेकर कल भारत बंद, बंद को लेकर महागठबंधन ने की बैठक। कौकब कादरी, रामचंद्र पूर्वे, ब्रिशन पटेल रहे मौजूद। सभी संगठनों से की बंद के समर्थन की अपील। भारत बंद पर पटना में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। DM कुमार रवि बोले, नहीं होगी लोगों को परेशानी। पटना के चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी पुलिस। सुरक्षा को लेकर कल बंद रहेंगे निजी स्कूल। ठीक हो गई CM नीतीश कुमार की तबीयत। आज कई कार्यक्रम में शामिल हुए नीतीश। योजनाओं का शुभारंभ करने पहुंचे पटना सिटी। उनके स्वास्थ्य को लेकर चल रही थी सियासत। कांग्रेस के भारत बंद पर उपेंद्र कुशवाहा बोले, विपक्ष के पास करने को नहीं है कुछ। आरक्षण पर कहा, इस पर बोलना सही नहीं, कुछ भी बोलने से बढ़ेगा समाज में द्वेष। मॉब लिंचिंग पर पप्पू यादव का बयान, वोट के लिए नेता करवाते हैं मॉब लिंचिंग। मुजफ्फरपुर मामले में SSP पर करेंगे मुकदमा। हाई कोर्ट लोकसभा स्पीकर को देंगे इसकी जानकारी। महंगाई पर बोले कांग्रेस के कौकब कादरी, महंगाई से देश की जनता हो रही परेशान। देश में चल रहा है तेल का खेल, कुंभकर्ण की नींद में सोई है मोदी सरकार। तेजस्वी यादव के आवास पर RJD की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने दी जानकारी। बोले, भारत बंद और महागठबंधन पर हुई चर्चा। 11 सितंबर को होनी है महागठबंधन की बैठक। बिहार के तटीय इलाकों में बाढ़ का हाई अलर्ट। वाणसागर में पानी छोड़े जाने के बाद अलर्ट। सोन नदी में छोड़ा गया 2.55 लाख क्यूसेक पानी। पानी छोड़ने से उफान पर है गंगा और सोन नदी। आरा में गंगा का जल स्तर 10 सेमी बढ़ा। बढ़हरा शाहपुर में खतरे के निशान से ऊपर है गंगा। दर्जनों गांव का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूटा। DM ने अधिकारियों को दिया जरूरी दिशा निर्देश। बेगूसराय मॉब लिंचिंग का मामला, 6 नामजद और 150 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज। 3 अपराधियों की हुई थी पीट पीट कर हत्या। छौड़ाही थाना क्षेत्र की घटना। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी सुर्खियां। आप देखते रहिए LifeCities.in। नमस्कार।